वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपको अपनी दोनों बैल्कनी का अपडेट दूंगा और इस वीडियो में आपके साथ देसी गुलाब और इंग्लिश रोज की कटिंग या पौधे की केयर कैसे करनी है ये भी बताऊंगा। तो आज आप देख सकते हैं मेरे बैल्कनी में इतने सारे फूल और सब्जियां आई हैं। ये पुदीने का पेड़ और ये करेले में के पौधे में देखिए छोटे छोटे करेले निकलने लगे हैं और कितने सारे पिटूनिया के फ्लावर्स आए हैं, गुलदौदी के फ्लावर आए हैं मेरे गुलदौदी के प्लांट में। पुदीना कितना है, तुलसी देख सकते हैं आप और एक ही प्लांट में कितने सारे मेरे करेले निकल रहे हैं देख सकते हैं। अब ये मेरा कैलेंडुला का प्लांट है, मैंने इसकी केयर कैसे करनी है लास्ट वीडियो में समझाया था, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ये मेरे येलो कैप्सिकम यानी बेल पेपर, येलो बेल पेपर का प्लांट है, ये देख सकते हैं आप छोटे छोटे कैप्सिकम निकले हैं ग्रीन वाले, देन उसके बाद ये येलो में कन्वर्ट होते हैं। ये मेरा छोटा सा एक फार्म हाउस मैंने बनाया है, इसमें मैंने लहसुन है और भी चीज़ें के सीड्स डाले हैं जो कि ग्रो होंगे। और ये आप मेरा देख सकते हैं, ये मेरा एक ही गुलाब देसी गुलाब का प्लांट है, उसमें कितने सारी कलियां और फूल आए हैं ये देख सकते हैं आप। इसी की केयर मैं बताऊंगा। या मेरे ये मैरीगोल्ड यानी गेंदे का प्लांट है, देखिए इसमें कितने सारे कलियां और फूल आए हैं। तो ये मेरी सेकंड बैल्कनी है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप जैसे ही देख रहे हैं कि मेरा जो ये देसी गुलाब का प्लांट है, तो इसमें इतनी सारी कलियां आई हैं और एक ही प्लांट में ढेरों सारे फूल और कलियां निकल रही हैं। ये मेरा एक साल पुराना प्लांट है और इसकी केयर जैसे करनी है, बस आपको इसमें मस्टर्ड केक मैंने डाला था, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, और टाइम से मैंने प्रूनिंग की थी। आप प्रूनिंग करते रहिए टाइम से, तो इतनी सारी कलियां और फूल ही एक ही ब्रांच में आएंगे, चाहे गुलाब देसी हो या इंग्लिश, दोनों की केयर एक ही करनी होती है। गुलाब के लिए जो होता है उसको बस एसिडिक सॉइल बहुत पसंद है, तो आप इसको मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र ज़रूर दें या ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। मैंने कैसे फर्टिलाइज़र बनाने सब वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये मेरा इंग्लिश रोज का प्लांट है, ये देखिए कितना बड़ा फूल आया है इसमें। सर्दियों में गुलाब में बड़े बड़े ही फूल आते हैं। बस मैं, ये भी मेरा एक साल पुराना प्लांट है, बस मैं इसको टाइम से 10-15 दिन बाद दोनों प्लांट्स को मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र देता हूँ। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही एक अच्छा फर्टिलाइज़र है, तो इन सर्दियों में आप इसे ज़रूर से ज़रूर दें। कोई भी गार्डनर होगा आप वो आपको यही सजेस्ट करेगा मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। और आप देख सकते हैं मेरा प्लांट कितना हेल्दी है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।